जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में दस बजे हिंदी साहित्य की तो सभी लोग आ जाइएगा जुड़ जाइएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर हर्षिता जी तनु जी अनिल जी और शिल्पा जी तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देखिए आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इकतीस से स्टार्ट करते हैं तो रंगभूमि उपन्यास किस बाद से प्रभावित है बताइएगा आप सभी का क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर इकतीस आपसे पूछा गया है रंगभूमि उपन्यास जो है किस बाद से प्रभावित है लोहियाबाद से सुभाष बाद से गांधीवाद से, गांधी से नेहरू बाद से तो इकतीस में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर <coughs> तीन यहाँ पर सही आंसर है गांधीवाद यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्या सही आंसर रंगभूमि उपन्यास जो है रंगभूमि उपन्यास ये गांधीवाद से प्रभावित है विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा सन उन्नीस में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वह किसे दिया गया था सन बयासी सन उन्नीस का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था कुमारी चौहान सुमित्रा पंत निराला महादेव वर्मा किस को दिया गया था बत्तीस में आपको चयन करना है चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं सुनिध जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंशु जी बत्तीस में विकल्प नंबर डी सही आंसर आ रहा है महादेवी वर्मा जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है माधवी वर्मा को इन्हीं को जो है सन उन्नीस का पुरस्कार दिया गया था कौन सा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार क्वेश्चन नंबर पर तेतीस पूछा गया है शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया था वह राज्य आपसे पूछा गया तेतीस में बताइएगा बिहार है पंजाब है मद्रास है कलकत्ता है में आपको चयन करना है क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का पर सही आंसर आना है पूजन साय को परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया था तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर बिहार में बिहार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर ये होगा आप सभी का सही आंसर बिहार अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है पंगडंडियों का जमाना निबंध की रचनाकार कौन माने जाते हैं पंगडंडियों का जमाना चौंतीसवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल है हरिशंकर परसाई है जैनेन्द्र है कमलेश्वर है इनमें से आपको चार विकल्प में से बताना है पगदंडियों का जमाना ही निबंध विधा की रचना मानी जाती है किनका निबंध माना जाता है तो चौंतीस में आप सभी का सही आंसर है शंकर परसाई किनका निबंध है शंकर परसाई आपका विकल्प नंबर दो जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हरिशंकर परसाई यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं जो कि सभी लोगों ने सही आंसर बताया है क्वेश्चन नंबर पैंतीस पूछा बौद्ध धर्म दर्शन रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार माने जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव नरेंद्र शर्मा या फिर अग्जे या फिर निराला क्वेश्चन नंबर पैंतीस आपसे पूछा गया है पैंतीस में आप सभी को सही आंसर बताना है और आप सभी का विकल्प नंबर एक सही आंसर आ रहा है आचार्य नरेंद्र देव यहाँ पर सही आंसर होगा ये बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार माने जाते हैं विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर छत्तीस पूछा गया स्वर्ग की कल्पना यह कविता हरियो जी के किस ग्रंथ से ली गई है वह ग्रंथ आपके लिए बताना है कौन सा ग्रंथ है छत्तीस में बताइए प्रिय प्रवास है पद्म प्रसून है पारी जात है मर्म स्पर्श है छत्तीस में आपको चयन करना है छत्तीस का क्या होगा <coughs> सही आंसर स्वर्ग की कल्पना कविता हरिओत जी के किस ग्रंथ से ली गई है और आप सभी का सही आंसर है ये ली गई है पारिजात से किससे पारिजात आपका यहाँ पर विकल्प नंबर तीन जो है वह आप सभी का यहाँ या, यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है सैतीसवा क्वेश्चन है श्याम से शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था वह आपके लिए बताने है साहित्य अकादमी द्वारा इनको एक पुरस्कार दिया गया था किनके लिए श्याम से शशि जी के लिए पद्म भूषण साहित्य भूषण ज्ञानपीठ या फिर पद्मश्री तो सैतीस में आप सभी का सही आंसर होगा इनको मिला था कौन सा पुरस्कार श्याम से है शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था वह पुरस्कार कौन सा था सैतीस में चार सही आंसर विकल्प नंबर चार पद्मश्री आपका यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहां पर देखेगा क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कि कथ की कुनो कविता के रचेता कौन माने जाते हैं अड़तीस में आपको चयन करना है अड़तीस का सही आंसरों का अज्ञे है दिनकर है या फिर घनानंद है या फिर रसखान है बताइए क्वेश्चन नंबर अड़तीस में आपको सही आंसर चयन करना है क्या होगा सही आंसर सभी लोग चयन करिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और बहुत सारे लोगों ने विकल्प नंबर एक बताया है कि अज्ञे की एक कविता मानी जाती है क्योंकि अज्ञे आपका विकल्प नंबर एक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा जायसीकृत श्री पदमावत का नायक आपके लिए बताना है नायक पूछा गया है मनोहर है रत्नसेन है लौरिक है या फिर सुजान है तो अपन ने कई बार पढ़ा है मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है इसके नायक आपको बताना है कौन माने जाते हैं आयुष सिंह जी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उनतालीस में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प क्या होगा सही आंसर विकल्प नंबर बी यानी कि रत्न सेन आपका सही आंसर है पदमावती के नायक माने जाते हैं कौन रत्न सेन अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर चालीस पूछा गया है कि वैसे ही प्रधान काव्य को कहते हैं महाकाव्य या फिर प्रगति काव्य प्रयोगवादी काव्य या फिर छायावादी काव्य चालीस में चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर चालीसवा क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर होगा वैसे ही प्रधान काव्य को कहते हैं क्या कहते हैं तो आप सभी का चालीस में सही आंसर है विकल्प नंबर बी सही आंसर है प्रगति काव्य कहते हैं क्या कहते हैं बेसही प्रधान काव्य को कहते हैं तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या आ रहा है सही आंसर चयन करना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर यहां पर चालीसवा क्वेश्चन <coughs> है महत्वपूर्ण है प्रगति का होगा सही आंसर विकल्प नंबर दो ही आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इकतालीस पूछा गया है क्या दिया गया है इकतालीसवा क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया कर्मवीर पत्रिका का नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका संपादन किया था कि उन्होंने माखन लाल चतुर्वेदी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या निराला ने या फिर अग्गे ने तो इकतालीस में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि इकतालीस का विकल्प नंबर एक सही आंसर है माखन लाल चतुर्वेदी ने किन्होने माखन लाल चतुर्वेदी आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अब आपसे पूछा गया कि जो बियोगी हरि हैं, इनका पूरा नाम था वियोगी हरि का पूरा नाम आपके लिए यहाँ पर बताना है तो देखिए क्या था श्री राम प्रसाद द्विवेदी श्री हरि द्विवेदी या फिर श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनका नाम था श्री गिरधर द्विवेदी क्वेश्चन नंबर बयालीस में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर हरी जो हरी थे इनका पूरा नाम पूछा गया है बयालीसवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और बयालीस में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है श्री हरि हर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, है वियोगी हरि का पूरा नाम था श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी आषाढ़ का एक दिन कृति की आधार कथा मुख्य पात्र बताना है कौन है मुख्य पात्र हैं दुष्यंत कुमार हैं सॉरी दुष्यंत है युधिष्ठिर है कालिदास हैं द्रोणाचार्य हैं क्वेश्चन नंबर तैतालीस में आपका सही आंसर क्या होगा बताइए आषाण का एक दिन और इसकी नाट्यकृति की आधार कथा का मुख्य पात्र बताना है तो तिरपन तैतालीसवा क्वेश्चन पूछा गया है और तैतालीस में आपका कालीदास यहाँ काली <coughs> पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है कालिदास उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है संविधान की किस अनुसूची में किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है वह सूची आपके लिए चयन करना है कौन सी वह सूची है बताइएगा पांचवी सूची है आठवीं सूची है नवी है, सूची है या दसवीं सूची है क्वेश्चन नंबर चवालीस है और चवालीस में आप सभी लोग बता रहे कि संविधान की वह आठवीं अनुसूची है जिसमें भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है या इनकी संख्या निर्धारित की गई है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर दो जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी क्वेश्चन नंबर पैंतालीस यहाँ पर देखिएगा पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाली आलोचक कौन माने जाते हैं 45 में आपको चयन करना है आई ए रिचर्ड्स हैं हीगेल हैं, क्रोचे हैं डाइडन हैं। तो क्वेश्चन नंबर पैंतालीस का आंसर बताइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजना की स्थापना करने वाले आलोचक पूछा है जो कि माने जाते हैं क्रोचे कौन माने जाते हैं क्रोचे माने जाते हैं विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो तीन है वह सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा मैथिली सरण गुप्त राष्ट्र कवि श्री मैथिली षण गुप्त का देहांत कब हुआ था इनका देहांत बताना है बारह दिसंबर 1905, 12 दिसंबर 1916, 12 दिसंबर 1964 सोलह ईस्वी या 12 दिसंबर 1960 सौ ईसवी छियालीस में आपके लिए चयन करना है तो छियालीस में आपका सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर तीन सही आंसर है बारह दिसंबर उन्नीस सौ चौसठ ईसवी उन्नीस में इनका निधन हो गया था राष्ट्र कवि की उपाधि जो है इन्हीं को दी गई थी मैथिली गुप्त को और इन्हीं का निधन हो गया था उन्नीस में उन्नीस अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा प्रेमचंद्र ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया कब किया ये आपको सैतालीसवा क्वेश्चन में चेन करना है और सैतालीस का सही आंसर है सोल उन्नीस में 1910 सौ ईस्वी में 1905 सौ ईस्वी में या फिर 1909 सौ ईस्वी में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है सैंतालीस क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है क्या आ रहा है सही आंसर सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं विकल्प नंबर तीन सही आंसर 1905 सौ ईस्वी में कब 1905 ईस्वी में इन्होंने पदार्पण किया था हिंदी साहित्य में किन्होंने ने प्रेमचंद्र जी ने सी वाला विकल्प आपका सही आंसर लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48 पूछा गया है कि मानवाड़ी सुधार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी इसका प्रिक, जो प्रकाशन स्थान बताना है कहाँ से प्रकाशित होती थी भागलपुर से आरा से पटना से गया से तो क्वेश्चन नंबर 48 में चयन कीजिएगा मारवाड़ी जो सुधार पत्रिका थी ये कहाँ से प्रकाशित होती थी तो आप सभी का यहाँ पर 48 में जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है आरा से कहां से आरा आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर दो यहां पर सही आंसर होगा आरा बहुत सारे लोग जिन्होंने भी चयन किया बी वाला विकल्प उनका सही आंसर होगा आरा है सही आंसर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर उनचास आपसे पूछा गया है कि स्वप्नमयी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं ये अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है स्वप्नमयी ये उपन्यास विधा की रचना है विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है गिरिराज किशोर का उपन्यास है जैनेन्द्र का उपन्यास है तो उनचास में आपको चयन करना है उनचास में आप सभी का सही आंसर आ रहा है यह उपन्यास माना जाता है स्वप्नमयी विष्णु प्रभाकर विष्णु प्रभाकर आपका सही आंसर है स्वप्न में विष्णु जी आए स्वप्न में विष्णु जी आए तो विष्णु से विष्णु प्रभाकर स्वप्न से मई तो विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर पचास आपसे पूछा क्या है कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी कल्पना पत्रिका बताना है हैदराबाद से झांसी से बनारस से या फिर दिल्ली से चयन कीजिएगा पचास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कल्पना पत्रिका के बारे में पूछा है ये कल्पना जो पत्रिका थी ये कहाँ से प्रकाशित होती थी पचास में चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कोई लोग बहुत सारे लोग हैदराबाद बता रहे हैं कि विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर हैदराबाद है हैदराबाद लगा दें सही आंसर तो बिल्कुल सही लगा दिया विकल्प नंबर एक में सही आंसर कल्पना पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित होती थी अगला क्वेश्चन देखिएगा ठेटोरता हुआ गणतंत्र थे हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है ये आपसे यहाँ पर संग्रह ये, ये किस प्रकार का संग्रह निबंध संग्रह कहानी संग्रह नाटक उपन्यास बताइए क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंक्यावन व क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इंक्यावन में आप सभी का सही आंसर होगा ये माना जाता है थेटोरता हुआ गणतंत्र पूछा है महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा सही आंसर यहाँ पर इंक्यावन में एक सही आंसर है निबंध संग्रह आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है शुद्ध कविता की खोज बताना है किस प्रकार की रचना मानी जाती है बताइएगा चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर आप पूछा गया है बावन और बावन में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा सभी लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना मानी जाती है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये मानी जाती है किस प्रकार की रचना तो ये, ये भी जो है निबंध संग्रह माना जाता है विकल्प नंबर डी यहाँ पर भी आपका सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर विकल्प नंबर चार यहां पर भी जो है आपका सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आनंद जी क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है त्रेपनवा क्वेश्चन है नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध ये माना जाता है नेता नहीं नागरिक चाहिए किस विधा की रचना है निबंध है और इसकी रचनाकार है निराला उग्र दिनकर या फिर रेणु क्वेश्चन नंबर त्रेपन आपसे पूछा गया है और त्रेपन में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिनकर आपका सही आंसर है नेता नहीं नागरिक चाहिए वो भी दिन में तो दिन से क्या हो जाएगा दिनकर दिनकर जी की रचना मानी जाती है निबंध विधा की रचना मानी जाती है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो तीन है वह सही आंसर होगा काबा और करबला के रचनाकार कौन माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर चंगन में आपको चयन करना है बताइए मैथिली शरण गुप्त हैं सिया शरण गुप्त हैं प्रसाद हैं अग्नि हैं काबा और करबला की बताना है इसकी रचनाकार कौन है लाइक करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे काबा और करबला की रचनाकार की बात करें तो वह माने जाते हैं कौन मैथिली शरण गुप्त काबा और करबला ये मैथिली शरण गुप्त जी इनका जो है रचना मानी जाती है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पचपनवा क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है वह महान व्यक्ति थे शरत चंद्र और टेगुर जी देव और तुलसीदास जी नेहरू और गांधी जी या फिर श्रीधर पाठक और दिनकर जी पचपन में आपको बताना है जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है तो पचपन में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि शरत चंद्र और टैगोर जी शरत चंद्र और टैगोर जी का जो है प्रभाव माना जाता है किन पर जैनेन्द्र जी पर विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है छप्पन प्रकाश और परछाइया किस प्रकार का संग्रह है ये भी आपसे यहां आप पर बेधा पूछ लिया गया है कहानी है एकांकी एक है काव्य है या फिर नाटक है छप्पन में आपको चयन करना है क्या होगा सही आंसर प्रकाश और परछाइया किस प्रकार का संग्रह माना जाता है तो छप्पन में आप सभी का सही आंसर है कि ये माना जाता है क्या विकल्प नंबर बी एकांकी एकांकी माना जाता है एकांकी एक संग्रह माना जाता है प्रकाश और परछाइ इसके लेखक भी आप कमेंट में बताइए कौन मानी जाते हैं क्वेश्चन तो नंबर जब तक अपन यहाँ पर संतावन देखते हैं हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बनी कब बनी ये आपसे सन में पूछा गया 1930 में 1950 में 1940 में या 1955 में संतावन में आपके लिए चयन करना है और संतावन में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर डी वाला जो है वह सही आंसर है यानी कि 1955 में 1955 में हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं ये भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ बनी थी तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा तो बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ आप पर अंठावन पूछा गया है राम जी की चीटी राम जी का सिर ये बताने किस प्रकार का संग्रह है निबंध संग्रह कहानी संग्रह नाटक या फिर उपन्यास राम जी की चीटी राम जी का सिर किस प्रकार का संग्रह है किस विधा की रचना है ये पूछा है अंठावन में तो अंठावन में आप सभी का सही आंसर है ये निबंध माना जाता है किन का निबंध माना जाता है बताइए राम जी की चीटी राम जी का सिर बता दीजिएगा किसका निबंध है वही पूछ लिया गया यहाँ पर देखिएगा उनसठ उन, उन में राम जी की चीटी राम जी का शेर के रचनाकार कौन माने जाते हैं निराला जी हैं या फिर ए, मोहन राकेश हैं धर्मवीर भारती हैं या फिर अमृत राय हैं क्वेश्चन महत्वपूर्ण है फिफ्टी नाइन का सही आंसर बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है उनसठ में विकल्प नंबर उनसठ में चयन कीजिएगा अच्छे से यहाँ पर एक बार देख लें राम जी की चीटी और रामजी का शेर राम जी की चीटी और राम जी का शेर की रचनाकार कौन है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या आ रहा है सही आंसर चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है धर्मवीर भारती होगा सही आंसर धर्मवीर भारती विकल्प नंबर आपका तीन होगा सही आंसर धर्मवीर भारती अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्षण बोले कण मुस्काय के रचनाकार कौन माने जाते हैं साठ में आपको चयन करना है साठ का सही आंसर चयन कीजिएगा कन्हैयालाल मिश्र है धर्मवीर भारती है अज्ञे है या फिर विष्णु प्रभाकर है बताइए क्षण बोले मुस्काय क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साठवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और अपन ने पढ़ा भी है कि कन्हैया की कृपा से क्षण बोले कण मुस्काए तो कन्हैया से कन्हैया लाल मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर निराला लगा दिया सभी लोगों ने लाइन से बहुत कम लोगों ने बताया था धर्मवीर भारती क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर एक पूछा गया रथ के पहिए बताना है रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है बताइए सामाजिक है आंचलिक है ऐतिहासिक है या साम्यवादी है क्वेश्चन नंबर इकसठ आपसे यहाँ पर पूछा गया है और इकसठ में आपको चयन करना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इकसठ में विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है एकसठ में आपका क्या होगा सही आंसर दो आपका सही आंसर है आंचलिक आंचलिक होगा सही आंसर बी वाला विकल्प जो है जिन्होंने भी चयन किया है आंचलिक रथ के पहिए उनका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या यहाँ पर बासठवा बा क्वेश्चन है टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है टेढ़े मेढ़े रास्ते बासठवा बा क्वेश्चन है ये नाटक है ये कांकी है निबंध है या फिर उपन्यास है बासठवा क्वेश्चन है और बासठ में अभी अपन ने शाम को चार बजे वाली क्लास में इस रचना को पढ़ा था किन रचना मानी जाती है टेढ़े मेढ़े रास्ते और आप सभी का सही आंसर है सभी लोग बता रहे हैं ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है उपन्यास है टेढ़े मेढे रास्ते विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है किन की रचना है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ आप पर तिरसठ पूछा गया है कि सप्त रश्मी एकांकी एक के नाट, एकांकी एक नाटक की रचनाकार कौन है सप्तर त्रेसठ में चयन कीजिएगा भगवती चरण वर्मा का माना जाता है उपन्यास राष्ट्रीय बहुत बढ़िया बिल्कुल सही तो सप्त रश्मि एकांकी एक नाटक किसकी रचना है सेठ गोविंद दास उदय शंकर भट्ट तो उपेन्द्रनाथ अस्क या मुंशी प्रेमचंद्र क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर तिरसठ में विकल्प नंबर एक यानी कि सेठ गोविंद दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सेठ गोविंद दास आपका यहाँ पर सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर चौंसठ पूछा गया है द्वापर द्वापर बताना है खंड काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं बहुत जल्दी आपके एग्जाम होंगे बिल्कुल रेणु पंडित जी जब भी आप जो है जल्दी आपकी एग्जाम होंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं वैकेंसी निकली और आपका यहाँ पर चौसठवा क्वेश्चन है द्वापर खंड काव्य जो है इसकी रचनाकार पूछा गया है तो विकल्प नंबर आपका तीन सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है कौन सी द्वापर किस ये खंड काव्य है माना जाता है अगर पूछा जाए महाकाव्य खंड काव्य है तो ये खंड काव्य माना जाता है हाँ, खंड काव्य माना जाता है त्रिधारा काव्य के रचनाकार बताना है पैंसठ में क्या होगा सही आंसर बताइए पैंसठ में चयन करना है सभी के लिए त्रिधारा ये योगी हरी सुभद्रा कुमारी चौहान दिनकर अज्ञे किन की रचना है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और पैंसठ में आप सभी का सही आंसर आ रहा है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है तिरधारा विकल्प नंबर आपका बी हाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है अगला अगला क्वेश्चन राजन जी देखिएगा बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है बताइए कहानी है निबंध है एकांकी है काव्य है छियासठ में आपको चयन करना है और छियासठ का सही आंसर क्या होगा बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का काव्य किस प्रकार का संग्रह माना जाता है तो छियासठ में आप सभी का सही आंसर है कि ये माना जाता है बंद गली का आखिरी मकान पूछा है एक कहानी मानी जाती है बंद गली का आखिरी मकान विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये वाला विकल्प चयन किया है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार माने जाते हैं पूरन चंद्र टंडन या फिर महेश चंद्र गुप्त कैलाश चंद्र भाटिया या फिर कृष्ण कुमार गोस्वामी क्वेश्चन नंबर सड़सठ में आपको चयन करना है और सड़सठ में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है पूरन चंद्र टंडन आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार माने जाते हैं बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है अड़सठवा क्वेश्चन है देखिएगा क्वेश्चन नंबर अड़सठ पूछा ब्रह्म पुत्र की मोर्चे बंदी किस प्रकार का संग्रह है ये आपको बताना है कहानी संग्रह है निबंध संग्रह है नाटक है उपन्यास है अड़सठ में चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ब्रह्मपुत्र की मोर्चे बंदी और आप सभी का सही आंसर है ये माना जाता है अड़सठ में यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर तो विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर आप सभी का यानी कि निबंध माना जाता है ब्रह्मपुत्र की मोर्चे बंदी निबंध विधा की रचना मानी जाती है विकल्प नंबर दो आप सभी का सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है उनहत्तरवा क्वेश्चन है जिए तो ऐसे जिए रिपोर्टाज की रचनाकार बताइएगा मन्नू भंडारी हैं कमलेश्वर हैं धर्मवीर भारती हैं या फिर आपके यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं हाँ दीपक जी बिल्कुल और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर उनहत्तर में उनहत्तर का सही आंसर विकल्प नंबर चार आपका सही आंसर है चार आपका सही आंसर होगा यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जिए तो ऐसे जिए कैसे जिए जैसे कन्हैया जी जीते हैं जीते थे तो कन्हैया से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका सही आंसर है जिए तो जिए ऐसे बिल्कुल सही इन्हीं की रचना मानी जाती है ये सुमित्र जी अभी और है क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बारह है एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं बारह एकांकी रचना मानी जाती है रामधारी की विष्णु प्रभाकर की या फिर मोहन राकेश या फिर डॉक्टर रनेंद्र शर्मा की किन की रचना मानी जाती है सत्तर में आपको चयन करना है सत्तरवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर बारह एकांकी ये ये जो है एकांक बारह एकांकी रचना जो है ये मानी जाती है किनकी विष्णु प्रभाकर की किनकी की बारह एकांकी का प्रभाव है बारह एकांकी का प्रभाव है तो प्रभाव से प्रभाकर आपका सही आंसर होगा विष्णु प्रभाकर अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है इकहत्तरवा क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर कल्पना पत्रिका का संपादन किया है किन्ने किया है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन का सही आंसर बताना है लाइक अवश्य कर लेंगे <coughs> बहुत सारे लोग जो है लाइक नहीं करते हैं सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइए रोज आपके लिए इसी तरह क्लास लाई जाती है बिल्कुल फ्री और यहाँ पर निराला पंत रामचंद्र शुक्ल भवानी प्रसाद मिश्र तो सेवेंटी वन का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर बताइए चयन कीजिएगा कल्पना पत्रिका का संपादन कौन थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे लोग भी बता रहे हैं यहां पर कि पंत यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इकहत्तर में चयन करना है इकहत्तर में आपका सही आंसर क्या होगा इकहत्तर तो में चार होगा आपका सही आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र हैं यहाँ पर सही आंसर अगला क्वेश्चन सन 1920 से 1920 सौ ईस्वी तक का साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा वही युग आपके लिए बता रहे कौन सा वही युग था वही युग आप चयन कीजिएगा बताइए आधुनिक की युग था दुबेदी युग भारतेंदु युग छायावाद चयन करिएगा सभी लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया बहत्तरवा क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है कि भाई युग था कौन सा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर द्विवेदी युग सही आंसर है द्विवेदी युग का जो समय सीमा माना मानी जाती है 1900 से 1920 सौ ईस्वी तक की जो समय सीमा मानी जाती है वह द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नामकरण किया गया संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है क्वेश्चन नंबर तेहत्तर में आपके लिए चयन करना है निबंध है कहानी है नाटक है आलोचना है तेहत्तर का सही आंसर क्या होगा संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है ये पूछा गया है आपसे और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर तिहत्तर में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर चार सही आंसर है ये आलोचना मानी जाती है विकल्प नंबर डी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार आपका सही आंसर है रामचरित मानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश तो बताइए रामचरित मानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है और सेवेंटी फोर में आपके लिए चयन करना है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा यानी कि आप सभी का उन्नीस सौ सॉरी पंद्रह सौ चौहत्तर ईस्वी आपका सही आंसर है पंद्रह सौ चौहत्तर ईस्वी आपका सही आंसर श्री गणेश पूछा रामचरितमानस रामचरित मानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश पंद्रह सौ चौहत्तर भग्न मंदिर बन गया बन रहा है भग्न मंदिर बन रहा है कविता की रचनाकार कौन माने जाते हैं पचहत्तर में आपको चयन करना है श्रीधर पाठक है दिनकर है निराला है महादेव वर्मा है चयन कीजिएगा चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर क्या होगा पचहत्तरवा क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है, है दिनकर दिनकर वो का सही आंसर जो मंदिर बन रहा है ये तो मंदिर बन रहा है तो भैया दिन में बनेगा तो दिन से क्या हो जाएगा दिनकर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर दो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा नंददास किस संप्रदाय के कवि थे नंददास बताइएगा क्या होगा सही आंसर कृष्ण संप्रदाय के राम संप्रदाय नाथ संप्रदाय जैन संप्रदाय छिहत्तर में आपको चयन करना है सही आंसर तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर हाँ बिल्कुल नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं अब जो है इस क्लास में तो जुड़े रहिएगा आपको ए, इसी प्रकार की क्वेश्चन जो है रोज मिलेंगे नंददास बताने किस संप्रदाय के कवि थे तो आप सभी का छिहत्तर में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये कृष्ण संप्रदाय के कवि थे विकल्प नंबर ये एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा मतलब कि ये तो पता है अगला क्वेश्चन देखिएगा कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं सेवेंटी सेवन में सही आंसर चयन करना है जैनेन्द्र रेणु महादेव वर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी चयन कीजिएगा चार विकल्प आपके दिए गए हैं और कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं सतहत्तर में आपके लिए चयन करना है और सतहत्तर में आपका विकल्प नंबर चार सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि का कर्तव्य जो अच्छे से निभाया वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निभाया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही निबंध है कभी कर्तव्य बे। बन पूछा गया अठहत्तर में चयन कीजिएगा वेणुबन किन का जो है आलोचनात्मक काव्य माना जाता है बताइए वेणुबन ये आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार माने जाते हैं अज्ञे दिनकर या फिर अश्क या फिर राजेंद्र यादव बताइए सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा सभी लोग और अठहत्तर में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर दो यानी कि दिनकर दिनकर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि बन तो वन में आपको जब भी जाना है तो दिन में जाना है तो दिन से दिनकर वन से बन इस प्रकार याद कर सकते हैं ज्येष्ठ का मध्यान कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है काव्य का संग्रह बताना है पलास वन है प्रिय प्रभा है साकेत है, प्रभात फेरी है उन्यासी में आपको चयन करना है और उन्यासी में आप सभी का क्या होगा सही आंसर ज्येष्ठ का मध्यान्ह कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है उन्यासी में विकल्प नंबर एक यानी की पलासवन क्या होगा सही आंसर राजन जी बहुत बढ़िया पलासवन यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर अस्सी आपसे पूछा गया है कि केशव द्वारा रचित काव्य रामचंद्रिका की भाषा क्या है अविधि भाषा में रचित है ब्रजभाषा सदुकड़ी या फिर खड़ी बोली में भाषा पूछा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और अस्सी में आप सभी का सही आंसर है कि के, केशव दास द्वारा रचित जो रामचंद्रिका काव्य है इसकी भाषा तो मानी जाती है क्या मानी जाती है ब्रज भाषा क्या मानी जाती है ब्रज भाषा आपका विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं तो विसाती कहानी के रचनाकार बताइए ये तो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे या फिर कोई कोई ने पढ़ ली होगी इस कहानी को विसाती कहानी बताइएगा इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर इक्यासी है और इक्यासी में बिल्कुल सही बहुत बढ़िया सभी लोग बता रहे हैं सभी के लिए पता है मतलब पढ़ी है पहले से साथ कहानी मानी जाती है किनकी ये प्रसाद जी की कहानी मानी जाती है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही आंसर होगा जय शंकर प्रसाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर बयासी पूछा गया है मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार बताइएगा 82 में आपके लिए सही आंसर बताना है मांगी रोटी मिला पत्थर ये निबंध बताना है किनका निबंध माना जाता है बताइए चयन कीजिएगा हाँ अनिल जी बिल्कुल तो मांगी रोटी मिला पत्थर ये निबंध माना जाता है 82 में आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर है बी आपका सही आंसर होगा सुनीत जी बिल्कुल प्रताप नारायण मिश्र अपन ने याद किया था ना मांगी रोटी मिला पत्थर मगर पत्थर का भी क्या होता है प्रताप होता है प्रताप तो प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर तिरासी में आपसे पूछा गया है बताइएगा मैथिली गुप्त हैं रचनाकर हैं घनानंद हैं श्रीधर पाठक हैं क्वेश्चन नंबर तिरासी है और तिरासी में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं तो पत्र प्रबंध ए एक काव्य माना जाता है किनका तेरासी में विकल्प नंबर एक सही आंसर है मैथिली गुप्त मैथिली संग गुप्त आपका प्रवीण जी बहुत बढ़िया विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है नूरी कहानी बताइएगा तो नूरी कहानी किन की मानी जाती है बताइए प्रसाद नराला अज्ञे मोहन राकेश नूरी कहानी किन की मानी जाती है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौरासी में सही आंसर आ रहा है कि चौरासी में जो विकल्प नंबर आपका एक है वह सही आंसर है नूरी ये भी किन की मानी जाती है प्रसाद जी की कहानी मानी जाती है विकल्प नंबर एक आप सभी का सही आंसर होगा तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये चार विकल्प आपके दिए गए हैं बालकृष्ण शर्मा नबीन है मोहन राकेश है, हैं उदय शंकर भट्ट हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा है पचासी क्वेश्चन पूछा गया है पचासी में आपके लिए चयन करना है तो पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा जी की जो है एकांकी एक विधा की, की रचना मानी जाती है विकल्प नंबर आपका डी जो है वह सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर चयन किए हैं कुछ नए नए क्वेश्चन भी आप अपन को यहाँ पर पढ़ने को मिले हैं तो इसी तरह के नए नए क्वेश्चन और भी आपके लिए रोज लाएंगे इस क्लास में रोज अपनी ये क्लास होती है रात्रि में दस बजे सभी के लिए पता होगा जिनके लिए नहीं पता है एक बार पूरा शेड्यूल बता दें सुबह नौ बजे मिलते हैं हिंदी साहित्य के साथ दोपहर में दो बजे भी हिंदी साहित्य फिर शाम को चार बजे भी हिंदी साहित्य फिर शाम को साढ़े बजे सामान्य हिंदी रात्रि में दस बजे हिंदी साहित्य इतना शायद अपन पढ़ते हैं कि इतना तो जो है कोई नहीं पढ़ाता होगा बिल्कुल फ्री लाइव क्लासें आपके लिए लाई जाती हैं तो सिर्फ आपके लिए क्या करना है सभी लाइव क्लासों से जुड़ना है और अपन, अपन को लाइक और शेयर करते जाना है सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रमोद जी संजू जी गोलू जी प्रवीण जी प्रिंसी जी अंजलि जी संध्या जी बिंदु जी लवली ठाकुर जी अनिल जी राजन जी अर्चना जी राजीव जी माही जी कंचन जी रीसा सौनी जी पिंकी जी रेनू पंडित जी राजीव जी दा दोलर्श जी बिल्कुल और हेमलता जी तनु मेधा जी रीसा सोनी जी, जी राजीव जी मोटिवेशनल जी प्रिंसी जी अंजलि जी कंचन जी कल्पना जी गोलू जी और हर्षिता सिंह जी ए, प्रीति जी निशा जी तो आपके लिए लाइक अवश्य करते जाना है दीपक जी मोटिवेशनल जी बिंदु जी लाइक अवश्य कर लें सभी लोग विशाल जी विवेक जी और इसी तरह से रोज जुड़ना है साधना जी संजू जी सुनैना जी माही जी जिनका नाम नहीं ले पाए हैं फिर मिलते हैं सभी के लिए लाइक शेयर कर लेना है कल्पना जी अनिल चौधरी अनिल जी बिल्कुल तनु जी तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं कल सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में बस इतना ही लाइक से रवस से कर लें जिया जी संजू जी प्रवीण जी और सभी को शुभरात्रि जय हिंद